भाई आपका नाम? लक्ष्मण भाई। कौन सा गांव है? गांव गुलावला, जिला महेंद्रगढ़, हरियाणा से। हाँ जी भाई, आपके पास टोटल कितनी बकरियां हैं? 30-32 हैं भाई साहब। अच्छा, ये कौन सी नस्ल की हैं? माकड़ी बकरी है, धौड़ी, काली माकड़ी है। हाँ जी। अच्छा, तो आप बकरी कब से चरा रहे हो? हम तो भाई छोटा बचपन से लग गए थे, छोटे छोटे थे जब से। अच्छा, तो जब आप शुरू में बकरी चराने लगे तो कितनी बकरियों से शुरुआत करी थी? यही 30-35 थी भाई। अच्छा, तो तब कौन सी नस्ल थी आपके पास? जब तो देसी थी। देसी थी पहले। अच्छा, तो बकरी पालन में कोई फायदा है या नहीं, या थोड़ा ये बताओ। बकरी पालन में फायदा है? नहीं। अच्छा, जैसे कि आजकल तो पढ़े लिखे लोग भी बकरी पालन करने लगे हैं। हाँ। तो कुछ लोग कंपनियों में जैसे काम करते हैं और YouTube पे वीडियो देख के फार्म खोलते हैं। हाँ जी। तो उन लोगों का फार्म सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, इस बारे में बताओ। क्या जानकारी लेना जरूरी है इसकी? जानकारी लेना जरूरी है। अच्छा, कोई बीमारी वगैरह भी आती है इनमें? आती है ना। तो कोई बीमारी बताओगे कि कौन कौन सी आती है? फड़किया की भी आ जाती है, कांसी भी। हाँ। एक ये नहीं, जैसे बाढ़ खुलते हैं सिरसुआ को, उनमें कीड़ा भी आता है हरा में। अच्छा, तो आप वैक्सीन वगैरह करवाते हो इनको? करवाते हैं ना। अच्छा, तो अपने आप कर लेते हो या डॉक्टर से करवाते हो? आप भी कर लेते हैं, डॉक्टर को भी करवा लेते हैं। अच्छा, तो पेट के कीड़े वगैरह की दवाई देते हो या फिर और कोई देसी इलाज करते हो? कीट के पेड़े की उगी, पेट के कीड़े की दवाई देते हैं हम तो। अच्छा, जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि नीम खिलाने से भी पेट के कीड़े मर जाते हैं। हाँ, मर जाते हैं। अच्छा अच्छा, तो आप यहीं पर रख कर बकरियों को चराते हो या घुमाने के लिए ले जाते हो? घुमाते भी हैं, यहाँ भी चरते हैं। अच्छा, तो फार्म पे रख के चराने में ज्यादा फायदा है या फिर बाहर घुमाने में? घुमाने में भी भाई फायदा है, बाहर घुमाने में ज्यादा फायदा है। हाँ जी। अच्छा, तो इनकी बीमारियों के बारे में आपने बता दिया, और इनका दूध का थोड़ा बताओ कि लगभग दूध कितना होता है इस नस्ल में? दूध घना ही होता है, 3 किलो भी आ जाता है, 2.5 किलो भी आ जाता है। तो बच्चे को दूध पिलाने के बाद में जो दूध बचता है उसका क्या करते हैं आप? फैट पे दे देते हैं काट के। तो लगभग क्या रेट पड़ जाता है आपका? 28-30 बस यात्रा ही। अच्छा, तो जैसे कि ये बकरी है तो ये लगभग कितने रुपए की है? ये सामने वाली देखो, ये 25,000 की भी है। अच्छा, ये बच्चा है कि बच्ची है? बच्चा। तो कितने दिन का है ये? है गया 3-4 महीने का। 3 महीने का है। हाँ। तो लगभग कितने रुपए का है ये, इसकी कीमत? इसकी कीमत है 4,000। 4,000 रुपए, बिल्कुल सही कीमत बताई है भाई आपने तो। और जैसे ये वाले बच्चे कितने दिन के हैं? ये महीना का, 1.5 महीना का। तो जैसे कोई बेचते हो आप बकरी के बच्चे, तो कितनी एज में बेचते हो? बच्चा बकरी, बच्चे 3 का भी चल जाता है, इवन का 3,000 का दाम दे रहे हैं छोटे बच्चे इनका। अच्छा, 1-1 महीने के लगभग हैं। हाँ। और इनका 3,000 रुपये दे रहे हैं। ये भी काली माकड़ी के ही हैं? हाँ, ये भी इनके ही हैं। अच्छा, और ये वाली बकरी कब भी आएगी? ये 15-20 दिन में भी आ जाएगी। अच्छा, ये बकरी लगभग कितने बच्चे देती हैं? 3 भी लाती हैं, 2 भी लाती हैं, 1 भी ला देती हैं। अच्छा, 1 भी लाती हैं। हाँ। अच्छा, इसकी कीमत बताओ, अगर आज दिन कोई खरीदे तो कितने रुपए में बेच देंगे ये? ये एकदम जायज कीमत बताना। 30,000 से घाट नहीं है ये। 30,000 से कम नहीं है। हाँ। अच्छा, और अगर आपसे पूरा लोट कोई खरीदना चाहे तो बेच देंगे? बेच देंगे। अच्छा, तो अपने कॉन्टेक्ट नंबर बताओ जरा, जिस पे कोई संपर्क करना चाहे तो आपसे। 930-6-580-580 115। ठीक है जी। भाई, आप कुर्बानी के लिए भी बकरे तैयार करते हो? हाँ, करते हैं। तो जरा दिखाओ हमें भी, कौन कौन तैयार कर रहे हो? आ जाओ। अच्छा, तो ये आपका दूसरा वाड़ा है? हाँ जी। ठीक है, इसमें बकरियां हैं, देखिए बच्चे। अच्छा, ये वाला कौन सी नस्ल का है? काली माकड़ी का ही है। हाँ जी। अच्छा, कितनी हाइट होगी इसकी?
देख लो आपके आगे खड़े आए हाइट। मेरे हिसाब से तो 41 के आसपास होनी चाहिए, 41 इंच हाइट। और वजन वजन का तो आपको अंदाजा होगा, लग रहा है 100 किलो के आसपास, 100 किलो के आसपास तो होगा ना वजन? हाँ है, इतना तो आएगा। अच्छा, इसके 20,000 रुपये लग चुके हैं। हाँ जी, तो आप कितना मांग रहे हो? हम तो मांग रहे हैं इसके 30,000। अच्छा, तो यही है आपका मेन ब्रीडर? हाँ जी। इसके अलावा और भी है कोई? नहीं जी, और नहीं है। कान का ये फेस, कितने दांत हो गए? ये 4 दांत है। ठीक है जी, 8 दांत हो गया ना? हाँ, ये दांत ही भरेगा, 4 दांत लाए थे इनको। अच्छा, 4 दांत लाए थे, अब 4 दांत और कर लिए हैं इसने। हाँ ठीक है जी। ये वाला बच्चा सर काफी सुंदर लग रहा है, ये कितनी एज का है? ये बस 1 महीने का बच्चा है। अच्छा, काफी बढ़िया दिख रहा है ये, तो आप ब्रीडर रखेंगे इसको आगे? हाँ। तो इसकी माँ के कितने बच्चे हैं? ये एक ही है। अच्छा, इसकी माँ मर गई है? हाँ। तो इसका दूध फिर कहाँ से करते हो? इस बकरियों को पिला देते हैं, दूसरी बकरियों का दूध पिलाते हो इसको? हाँ। अच्छा जी, ठीक है। और कोई बच्चा हो अच्छा सा बिक्री के लायक? ये बच्चा है, बच्ची है? बच्ची है, बच्ची है। कितनी उम्र की है ये? 4 महीने, 4 महीने करीब की। हाँ जी। अच्छा, ये अगर कोई खरीदना चाहे तो ये बेच देंगे? बेच देंगे। ठीक है, तो ये जैसे कि बकरी है, ये कितने एज में आप आगे की करवाते हो, जो पहली बार करवाते हो तब? ये करवाते हैं 6 महीनों की भी हो जाती है, 7 की भी। 6-7 महीने की बच्ची को आगे की करवा देते हो? हाँ जी। लेकिन लोग तो कहते हैं कि थोड़ी बड़ी उम्र में करवाना चाहिए, वरना हाइट कम लेती है। हाँ, कम लेती है। अच्छा, आप बोलो। हाँ, करवाते हैं ना। तो इतनी जल्दी क्यों करवाते हो? ये बकरा साथ ही रहता है। हाँ हाँ, जब आ जाती है हंडती फिरती। अच्छा, मतलब खुद ही कर देता है? हाँ। आपके ना चाहते हुए भी? हाँ ठीक है।